दोस्तों आईपीएल 2021 के सेकेंड फेज 19 सितंबर से यूएई में शुरू होने जा रही है और विदेशी प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन को लेकर बीसीसीआई लगातार सभी देशों के साथ टचेस में है। तो आप लोगों को बता दूं, इंग्लैंड, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड प्लेयर्स को अपने अपने बोर्ड से एनओसी मिल चुका है और आईपीएल 2021 की सेकेंड फेज में अवेलेबल रहने वाले है। लेकिन दोस्तों कुछ प्लेयर्स ऐसे है जो पर्सनल कारण के चलते आईपीएल 2021 की सेकेंड फेज नहीं खेलने वाले है, तो टीम मैनेजमेंट को उनके प्लेसमेंट खिलाड़ी जल्द से जल्द खरीदना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, केके टीम की पैट कमिंस पर्सनल कारण के वजह से यूएई नहीं आने वाले हैं, तो मैं इस वीडियो में चार ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताने वाला हूँ जो पैट कमिंस की जगह परफेक्ट रिप्लेसमेंट खिलाड़ी बनने वाले हैं। तो काफी कमाल का वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर देखिए। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं, पैट कमिंस अपने यूट्यूब चैनल पर बता चुके हैं हाल ही में पापा बनने वाले हैं, तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ समय बिताना चाहते हैं और आईपीएल 2021 की सेकेंड फेज में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। तो अब केके टीम उनके जगह प्लेइंग 11 में लॉकी फर्गुसन का खिला सकती है और खिलाएगा भी, लेकिन फिर भी पैट कमिंस का एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी केके टीम को जरूरत भी है। तो लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है वेस्ट इंडीज के फर्स्ट बॉलर शेल्डन कॉटरेल का। तो इस बाएं हाथ की तेज गेंदबाज ने आईपीएल 2020 पंजाब टीम से खेले थे और उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, तो पंजाब ने रिलीज कर दिया। लेकिन दोस्तों बैड लक की आईपीएल 2021 में किसी भी टीम ने इंटरेस्ट नहीं दिखाई थी, जबकि शेल्डन कॉटरेल की काफी बढ़िया T20 रिकॉर्ड भी है। उसके बाद दोस्तों लिस्ट में नंबर 2 पर है अली खान। तो अली खान को केके ने 2020 की आईपीएल में हैरी गर्नी की रिप्लेसमेंट के तौर पर खरीदा था, लेकिन बैड लक प्रैक्टिस कैंप में चोट के चलते उनको भी केके टीम छोड़ना पड़ा। तो अभी बिल्कुल ठीक ठाक है और केके टीम फिर से एक बार उनके लिए इंटरेस्ट भी है। जी हाँ दोस्तों, केके टीम अली खान के लिए काफी पॉजिटिव था और इस साल जब पैट कमिंस नहीं खेलने वाले हैं, तो अली खान को फिर से एक बार टारगेट करने वाली है। उसके बाद लिस्ट पर नंबर 3 पर है इसुरु उदाना। तो इस श्रीलंकन प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छा होने के बाद भी उनको आरसीबी ने आईपीएल 2021 से पहले रिलीज कर दिया। काफी बढ़िया एक ऑलराउंडर है और पैट कमिंस का अच्छा रिप्लेसमेंट भी बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2021 में काफी सारे मैचों में पैट कमिंस से बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिला था। टीम में सिर्फ गेंदबाज के तौर पर नहीं बल्कि ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे थे, तो केकेआर एज ए ऑलराउंडर इसुरु उदाना को भी टारगेट कर सकती है। और आखिर में दोस्तों बोनस प्लेयर के बारे में बात करें तो वो है मिचेल स्टार्क। जी हाँ दोस्तों, बोनस प्लेयर इसीलिए क्योंकि मिचेल स्टार्क को खरीद पाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने आईपीएल 2021 की ऑक्शन में हिस्सा नहीं लिए थे और ऑक्शन लिस्ट के बाहर किसी भी खिलाड़ी को खरीदना अलाउड नहीं है। पर दोस्तों मिचेल स्टार्क आईपीएल खेलने के लिए इंटरेस्टेड है और अब जब काफी सारे प्लेयर्स आईपीएल 2021 की सेकेंड फेज नहीं खेलने वाले हैं, तो बीसीसीआई उनको खेलने का परमिशन दे सकती है। तो अगर मिचेल स्टार्क अवेलेबल रहते हैं तो पैट कमिंस का नंबर 1 रिप्लेसमेंट बनने वाले है। तो दोस्तों आप नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना कौन सा खिलाड़ी पैट कमिंस का परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन सकते हैं और एज ए केकेआर फैन आप पैट कमिंस को मिस करेंगे कि नहीं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।